दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फिनो पेमेंट्स बैंक के जो करंट अकाउंट के सर्विस है, यानी जो करंट अकाउंट फिनो में खुलते हैं, इसमें दो प्रकार के अकाउंट खुलते हैं। एक प्रगति करंट अकाउंट है और एक संपन्न करंट अकाउंट है, ठीक है। तो दोनों अकाउंट्स की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो दोनों अकाउंट खुलते हैं दोस्तों, डेली इन दोनों करंट अकाउंट के डेली लिमिट्स क्या हैं, कितने का ट्रांजेक्शन है, IMPS कितना कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कितने कर सकते हैं, और फिनो की ब्रांचेस और फिनो की मर्चेंट पॉइंट पर जाके कितना विदड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तो हम विदड्रॉल्स के बारे में बताने वाले हैं। डिपॉजिट की चार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, अभी विदड्रॉल के वीडियो पे टॉपिक पे बात करते हैं। तो इस वीडियो को में हम आपको पूरी के पूरी तरीके से एक चार्ट बेसिस पे आपको बताने वाले हैं कि फिनो करंट अकाउंट में कितना डेली ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट अंत तक, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आपको पता ही है कि फिनो पेमेंट्स बैंक जो है सो दो प्रकार के करंट अकाउंट का ऑफ़र देते हैं, यानी दो प्रकार के इसमें अकाउंट खुलते हैं करंट सिस्टम में, ठीक है, करंट अकाउंट में। तो एक है प्रगति करंट अकाउंट, दूसरा है संपन्न करंट अकाउंट। तो इन दोनों करंट अकाउंट के जो है सो हम आज डेबिट की लिमिट्स के बारे में जानने वाले हैं, यानी इन खाताओं से हम कितना पैसा एक दिन में जो है सो डेली बेसिस पे कितना विदड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो विदड्रॉल करने के लिए जो है सो आप देख सकते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से जो है सो 1 अक्टूबर 2021 यानी 2021 में जो कुछ चेंजिंग किए गए थे इनके डेबिट कार्ड्स के जो लिमिट थे उसमें, ठीक है, साथ ही साथ विदड्रॉल डेली विदड्रॉल के लिमिट्स में। तो ऑल ओवर हम तीन टॉपिक पे बात करने वाला, पहला है डेबिट कार्ड की लिमिट, डेबिट कार्ड के माध्यम से कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, डेबिट जो हमारा जो है सो विदड्रॉल कर सकते हैं, ओके। दूसरी है हम इनके जो फिनो पेमेंट्स बैंक के जो मर्चेंट है जगह जगह पे, आपको बता दें 7 लाख से प्लस इनके मर्चेंट ऑल ओवर पूरे 90% इंडिया में फैल चुके हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के मर्चेंट, और अपनी बैंकिंग सेवाओं को दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में तीसरी बात करेंगे और आखिरी पॉइंट पे जो है सो फ़ंड ट्रांसफ़र, ठीक है, फ़ंड ट्रांसफ़र यानी फिनो पे के माध्यम पे IMPS से और फिनो टू फिनो अदर फिनो खाता धारक के पास ट्रांसफ़र करने का लिमिट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार रूप से जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं डेबिट कार्ड की जो लिमिट है वो डेली बेसिस पे, प्रोडक्ट पे हम आते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है वो है डेली डेबिट लिमिट, ओके। तो प्रोडक्ट में हमारा करंट अकाउंट जो बोले थे हम, करंट अकाउंट में दो प्रकार के करंट अकाउंट होते हैं, एक है प्रगति करंट अकाउंट, दूसरा है संपन्न करंट अकाउंट। तो इन चीज़ों में जो है सो दोनों में जो लिमिट रखा गया सेम रखा गया है, ठीक है, दोनों में लिमिट जो रखा गया सेम रखा गया है। और यहाँ पे डेली लिमिट जो डेबिट कार्ड का है वो कॉम्बाइन ऑल कॉस्ट ऑल डेबिट ट्रांजेक्शन, यानी डेबिट कार्ड से जितने भी ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं, ऑल शॉपिंग हो गया या फिर ऑनलाइन बुकिंग हो गया, फ़्लाइट टिकट बुकिंग हो गया, जो भी डेबिट कार्ड से जितने भी ट्रांजेक्शन किए जाएंगे उन सभी का जो लिमिट है 5 लाख तक के लिमिट जो है सो किया गया है, ठीक है दोस्तों। चाहे प्रगति करंट अकाउंट या संपन्न अकाउंट जो भी हो, आप एक दिन में डेली बेसिस में आप उनसे 5 लाख तक के ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं यानी विदड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ कि इसमें डिपॉजिट के बारे में यानी क्रेडिट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेबिट यानी जो विदड्रॉल करेंगे आप अपने फिनो पेमेंट बैंक में, जो भी आपके खाता हैं करंट अकाउंट के, जो प्रगति करंट अकाउंट संपन्न करंट अकाउंट, तो एक दिन के भीतर आप कितने विदड्रॉल कर सकते हैं अपने करंट अकाउंट से। तो जो लिमिट है वो 5 लाख की लिमिट है। ये तो हो गया डेबिट कार्ड बेसिस पे। आगे आते हैं हम जो है सो कैश विदड्रॉल, ठीक है, कैश विदड्रॉल मर्चेंट पॉइंट पे डेली लिमिट्स, ठीक है। यानी इनके आपको पहले बताया कि इनके 90% ऑल ओवर इंडिया में इनके मर्चेंट पॉइंट्स अभी के दौर में अवेलेबल हैं। तो आप मर्चेंट पॉइंट से जाकर के डेली का लिमिट कितना कैश विदड्रॉल कर सकते हैं, तो दोनों खातों में प्रगति और संपन्न करंट अकाउंट दोनों में जो है सो 1 लाख का लिमिट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम फ़ंड ट्रांसफ़र की ओर, डेली बेसिस फ़ंड ट्रांसफ़र की ओर। तो यहाँ पे जो डेली बेसिस फ़ंड ट्रांसफ़र दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो दोनों के लिए जो है सो यहाँ भी सेम बताया जा रहा है। आप इससे जो है सो प्रगति करंट हो या फिर संपन्न करंट हो, दोनों में से आप 2 लाख की ट्रांजेक्शन यानी जो है सो फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें कॉम्बाइन ऑल चैनल के लिए दिया गया है। इसका मतलब होता है आप चाहे फ़ंड ट्रांसफ़र IMPS से करें या
अदर टू अदर करें, ठीक है। फिनो अपने फिनो खाता से किसी और बैंक की खाता, या फिर फिनो की फिनो किसी खाता होल्डर के पास आप पैसा ट्रांसफ़र करें, फ़ंड ट्रांसफ़र करें। इन दोनों चीज़ों के लिए, तीनों चीज़ों के लिए, IMPS के लिए भी इन सभी का लिमिट जो है सो 2 लाख तय की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको वीडियो में कैसा लगा कमेंट्स करना भी ना भूलें।